हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेंडलम मीडियो। पेंडलम मीडियो पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बेटा मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 9। इसमें बच्चे रीजनिंग के हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो भी बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे, वो सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी तक कराए हैं, उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे भी जो मैंने अभी तक नहीं कराए थे, वो भी इस टॉपिक इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो सही बच्चे जल्दी से बेटा एक बार मैं जो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, क्या बेटा मेरी आवाज़ बच्चे सबको क्लियरली आ रही है। बच्चे माई वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर। सभी स्टूडेंट बेटा पेंडलम मीडियो को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और सभी स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए दैट माई वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर। बेटा क्या मेरी आवाज़ और वीडियो बच्चे दोनों चीज़ें क्लियर हैं? यू ऑल जस्ट राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आप सही बच्चे एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन बेटा लिख के बताइए। दैट माई वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर बेटा। क्या बेटा मेरी आवाज़ बच्चे सबको क्लियरली सुनाई दे रही है बच्चे? यू ऑल जस्ट राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बेटा। मोहम्मद बिन सलमान, ईद मुबारक बेटा आपको भी। गुड आफ्टरनून नेहा। क्या बेटा मेरी आवाज़ बच्चे सबको क्लियर सुनाई दे रही है बच्चे? माई वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर। क्या बेटा मेरी वॉइस और बच्चे वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर हैं? वेरी गुड नेहा। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बच्चे देखो, मैंने अभी तक ये आपको कर्लिंग ऑफ क्यूब वाला नहीं रखा था किसी सेशन में, मैंने इसमें रखा है बच्चे। मैंने जैसे कि आपसे कहा है कि बेटा अगर आपने रीजनिंग नहीं भी कहीं से पढ़े है, और सिर्फ अगर आप ये प्रैक्टिस सेशन देख के भी बेटा एग्जाम देने जाते हो, तो बिलीव मी कि आपको कोई क्वेश्चन वहाँ पे ऐसा नहीं दिखने वाला जो आपको लगे कि आपने नहीं पढ़ा है और इसमें आ गया। बिलीव मी आपको ऐसा वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। सब सर आपके बालों को क्या हुआ बच्चे? कुछ नहीं बच्चे, कटिंग करा दी थी बच्चे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर वन, पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। अ क्यूब इज कलर्ड येलो ऑन ऑल फेसेस, इट इज़ कट इंटू 125 स्मॉलर क्यूब्स। तो बच्चे देखिए, अब ये क्या है, कटिंग ऑफ क्यूब का क्वेश्चन है बच्चे। देखिए ये क्या है, कटिंग ऑफ क्यूब का क्वेश्चन है बच्चे। जो आपके पास एक क्यूब है जिसको क्या बेटा, क्यूब इज कलर्ड येलो इन ऑल फेसेज। बेटा एक क्यूब है, उसके सारे फेसेज को येलो कलर किया गया है, एंड इट इज़ कट इंटू 125 स्मॉलर क्यूब। और बेटा इसको क्या है, 125 छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया गया है। हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू फेसेज कलर्ड, इसमें ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके दो फेस बच्चे कलर हों? तो सबसे पहले बच्चे इसको थोड़ा सीख लीजिए कैसे बेटा। देखिए ये आपने क्या बेटा, एक बड़ा क्यूब है, इसको क्या 125 स्मॉलर क्यूब्स में क्या है, ब्रेक किया गया है, कट किया गया है। तो बच्चे आपको टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स पता होने चाहिए, दैट टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इज ऑलवेज इक्वल टू एन क्यूब। और बच्चे ये जो n है ना, n इज द रेशियो ऑफ साइड ऑफ बिगर क्यूब विद द रेशियो ऑफ साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब ओके तो बेटा देखो स्मॉलर टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब बच्चे कितने होंगे आपके, एन क्यूब। टोटल स्मॉलर क्यूब बच्चे कितने होंगे, एन क्यूब। और बेटा एन क्यूब की बेटा वैल्यू कितनी है बच्चे, 125। तो बेटा यहाँ से आप एन की वैल्यू निकाल लीजिए, द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 5। एन की बेटा वैल्यू कितनी आई, 5। अब बच्चे आपको पता होना चाहिए कि थ्री फेसेज कलर्ड क्यूब, थ्री फेसेज कलर्ड क्यूब बेटा हमेशा कितने होते हैं बच्चे, तो आप इसको हमेशा याद रखोगे, थ्री फेसेज कलर्ड क्यूब, ये बेटा चाहे कोई सा भी क्यूब गिवन हो, ये हमेशा 8 होते हैं। गुड आफ्टरनून अभिषेक। थ्री फेसेज कलर्ड क्यूब बेटा हमेशा कितने होते हैं, 8 होते हैं, सॉरी थ्री फेसेज कलर्ड क्यूब। और अगर बात करें टू फेसेज कलर्ड क्यूब, बच्चे जो थ्री फेस कलर्ड क्यूब है बेटा हमेशा किस पे, कॉर्नर पे जनरेट होता है, और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन अ क्यूब इज ऑलवेज 8। ओके नाउ टू फेसेज कलर्ड क्यूब। अब बच्चे आपको पता होना चाहिए कि टू फेस कलर्ड क्यूब बेटा जनरेट कहाँ पे होता है, तो बच्चे ये एज पे जनरेट होता है, किस पे, क्यूब की एज पे जनरेट होता है। और टोटल नंबर ऑफ एज होती है कितनी है बेटा क्यूब में, तो आप कहोगे सर 12 एज होती हैं, ठीक। और बेटा एक एज पे क्या है, दो तो कॉर्नर वाले क्यूब आपके माइनस हो जाते हैं, दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 12 इंटू एन माइनस 2। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ क्यूब विच हैव टू फेसेज आर कलर्ड। नेक्स्ट इफ वन फेसेज आर कलर्ड, तो बेटा आप इसको याद रखोगे, वन फेसेज आर कलर्ड, तो बच्चे आप देखो कितने क्यूब होंगे जिनका कितना है, वन फेस कलर्ड हो,
तो बेटा इसके लिए आप क्या हो, वन फेस कलर की बेटा जनरेट कहाँ पे होता है, तो आप कहोगे फेस पे जनरेट होता है, और टोटल नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं बेटा, सिक्स, सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, ओके। और बेटा टोटल कलरलेस क्यूब कितने होते हैं, तो कलरलेस क्यूब ये बच्चे हमारे पास कितने होते हैं, एन माइनस टू का होल क्यूब, ओके बच्चे। अब देखिए हमको एन की वैल्यू दी है फाइव, एन की वैल्यू दी है फाइव, हमको चाहिए टू फेस कलर्ड क्यूब, तो बच्चे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, 12 इंटू फाइव माइनस टू, इट मीन्स यू कैन से 12 इंटू फाइव माइनस टू थ्री, 12 इंटू थ्री करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा 36, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड नेहा बेटा, आपका आंसर एकदम करेक्ट है 36। देख लीजिए बेटा, मैंने आपको टू फेस कलर क्यू, वन फेस कलर क्यू, जीरो फेस कलर क्यू, और यू कैन से कलरलेस क्यू, ओके, और थ्री फेस कलर क्यू बेटा मैंने आपको सारे समझा दिए। नेक्स्ट, हाउ मैनी क्यूब्स हैव थ्री फेसेज कलर, कितने क्यूब ऐसे होंगे जिनके तीन फेस कलर हों, तो बच्चे ये मैंने बताया आपको थ्री फेस कलर क्यूब बेटा जनरेट कहाँ पे होगा बच्चे, तो आप कहोगे सर कॉर्नर पे जनरेट होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स बेटा कितने होते हैं, तो आप कहोगे एट, तो बेटा थ्री फेसेज कलर क्यूब कितने होंगे, तो आप कहोगे बेटा कितने, एट। हमेशा बच्चे ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, इट मीन्स इसका बच्चे आंसर हमेशा ही क्या आएगा बच्चे, एट आएगा, और बच्चे इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, इट मीन्स थ्री फेसेज कलर्ड क्यूब बेटा हमेशा कितने होंगे। सर ये वाला नहीं आता था हमको अभिषेक, कोई बात नहीं बेटा, आज सीख लो बच्चे, अगर नहीं आता था तो बेटा लिख लेना कॉपी पे बच्चे। बच्चे मैं कह रहा हूँ ना कि जिसने भी रीजनिंग नहीं भी पढ़ी है ना बेटा, उसने ये बेटा मेरा नाइन्थ प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक, तो बच्चे जिसने ये सारे प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किए ना बच्चे, उसको भी रीजनिंग में एग्जाम में एसएससी में कम से कम कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलने वाला है जो उसको लगे कि उसने नहीं पढ़ा है बेटा, बच्चे वो प्रैक्टिस सेट में 100% कवर हुआ हुआ, ओके। इट मीन्स हाउ मैनी क्यूब्स हैव थ्री फेसेज कलर्ड, तो बेटा ये हमेशा आंसर कितना आएगा बच्चे इसका, एट, एट क्यूब्स हैव थ्री फेसेज आर कलर्ड, एट क्यूब बेटा कैसे होंगे जिनके क्या होंगे, तीन फेस कलर्ड होंगे बच्चे। वेरी गुड नेहा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल बच्चे, और बाद में इसको अपना नोट डाउन कर लेना, बिल्कुल वेरी गुड बेटा। चलिए बच्चे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, नेक्स्ट हाउ मैनी क्यूब्स हैव वन फेस इज कलर, तो बेटा देखो वन फेस कलर, तो सबसे पहले आपको यही सोचना है कि वन फेस क्यूब, वन फेस कलर क्यूब जनरेट कहाँ पे होता है बच्चे, तो आपको ध्यान रखना है कि वन फेस कलर क्यूब फेस पे जनरेट होता है, टोटल नंबर ऑफ फेस होते कितने क्यूब में, सिक्स होते हैं, कितने होते हैं, सिक्स होते हैं, तो बच्चे आप देखोगे वन फेस कलर्ड क्यूब, तो बेटा इसको आप कैसे लिखोगे, वन फेस कलर्ड क्यूब क्यूब्स इज ऑलवेज इक्वल टू सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, क्या होगा बच्चे, सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, तो बच्चे देखिए यहाँ पे सिक्स इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, अब बेटा एन की वैल्यू कितनी है, आप देखोगे फाइव, एन की वैल्यू बेटा कितनी है फाइव, एन की वैल्यू कितनी है फाइव, तो बच्चे आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, सिक्स इंटू फाइव माइनस टू, फाइव माइनस टू का होल स्क्वायर, इट मीन्स थ्री, थ्री का स्क्वायर करोगे तो नाइन, इट मीन्स सिक्स इंटू नाइन, इट मीन्स आंसर इज 54। ओके स्टूडेंट्स, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 54। वेरी गुड नेहा बेटा, एकदम करेक्ट आंसर है बच्चे आपका, 54 इज द राइट आंसर। चलिए बच्चे आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ मैनी क्यूब्स हैव नो फेसेस कलर, अभी बेटा सही होने आप, नया बेटा अभी सही है तबीयत बेटा, सभी बच्चे अपना बेटा जरूर ख्याल रखिएगा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा खुद का ख्याल रखिए बच्चे, बिकॉज वायरल भी चल रहा है और आपको पता है कोरोना भी चल रहा है बच्चे, तो बच्चे अपना सही बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बेटा ख्याल जरूर रखिएगा, आई होप अभी सभी अच्छे होंगे बेटा। A cube is colored yellow on all faces. It is cut into 125 smaller cubes. How many cubes have no face color? ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका कोई फेस कलर्ड ना हो? वेरी गुड बेटा, चलिए अच्छी बात है बच्चे। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके कोई फेस कलर्ड ना हो? It means total number of colorless cubes. Total number of colorless cubes. और टोटल नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब्स कितने होंगे बच्चे, तो आप क्या कहोगे, n माइनस टू का होल क्यूब, ओके बच्चे,
तो एन माइनस टू का होल क्यूब इट मीन्स 5 माइनस 2 का होल क्यूब। तो बेटा आप कैसे 5 कैसे आपको बताए ना, दिस इज एन क्यूब, सो यू कैन से 3 का क्यूब। 3 का क्यूब बेटा कितना हो गया 27, इट मीन्स 27 क्यूब्स बेटा ऐसे होंगे जिनका कोई भी फेस कलर नहीं होगा। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 27। आई होप नाउ दिस इज क्लियर बेटा, दिस इज कटिंग ऑफ क्यूब बच्चे। ओके स्टूडेंट्स, ये कहानी सबको समझ में आई? कोई अगर बच्चा ऐसा है जिसको कोई डाउट है, वेरी गुड, नहीं है बेटा एकदम करेक्ट आंसर है बेटा आपका, 27 इज द राइट आंसर, वेरी गुड बेटा। चलिए बच्चे आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। जो आपको फिगर दिया हुआ है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे बच्चे, ये आपको फाइंड करना है। आंसर करिए बेटा क्वेश्चन का। यस बच्चे, सभी बच्चे आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर इन द गिवन फिगर, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। अब बच्चे देखो, इसके लिए आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो छोटा ट्राइंगल है कौन सा बेटा, जो ये ट्राइंगल है जिसमें सिर्फ ये लाइन है, तो इसमें देखोगे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बेटा कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक ऐसे बेटा इसमें हैं कितने, 1 2 3 4 5, और एक में कितने बेटा इसमें 3 होंगे, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी कि 3 × 15, यानी कि बच्चे यहाँ से यहाँ तक, केवल इसकी बात कर रहा हूँ मैं, केवल इतने की बात कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल बेटा कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल बेटा कितने हो जाएंगे, केवल यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए बच्चे, आपको दिख रहा है 3 इसमें होंगे, 3 आपके इसमें होंगे और 3 आपके इसमें होंगे, इसी तरह से बेटा टोटल 5 लाइन है, तो 3 × 15 यानी 15 तो इसमें हो गए बच्चे, और आपको दिख रहा है पैरेलल लाइन को मिला के कोई ट्राइंगल नहीं बेटा फॉर्म होगा बिल्कुल। तो बच्चे अब इसमें भी काउंट करो, दिस इज 1 2 3 4 5, तो बेटा देखोगे यहाँ से यहाँ तक, अब बेटा यहाँ से यहाँ तक भी कितने होंगे बच्चे, तो 15 ही होंगे। यस वेरी गुड बेटा, देखो 15 15 30 हो गया। अब देखो बेटा ये कितना, एक ट्राइंगल है बिल्कुल, 31, ये भी बेटा क्या है, एक ट्राइंगल है, इट मीन्स 32, और बेटा ये भी क्या है, एक ट्राइंगल है, इट मीन्स 33, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर 33 इन द गिवन फिगर। ओके 33 इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर बेटा। अभिषेक 33, तो बच्चे 34 कौन सा मुझे बता दीजिए जरा बच्चे, कौन सा ट्रायंगल है जो 34 पे जनरेट हो रहा है बेटा। कोई नहीं, अगर है आपको दिख रहा है तो बेटा बताइए, मुझे तो अभी 33 दिख रहे हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे देखो 30 इधर 15 इधर हो गए 15 ही हो गए बेटा 3 ही हो गए। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कोई ट्रायंगल है तो आप मुझे बता सकते हैं बच्चे। यस बच्चे, अगर आपको लग रहा है इन 33 के अलावा कोई ट्रायंगल है तो बेटा आप मुझे बता सकते हो। वैसे बच्चे मुझे तो 33 दिख रहे हैं बेटा, आपको लग रहा है अगर कोई ट्रायंगल मिसिंग है तो आप मुझे बताइए। अभिषेक देख लीजिए बेटा, अगर आपको कहीं कुछ डाउट लगे तो प्लीज़ मुझे पूछ लेना बेटा, क्योंकि बच्चे अगर आप ध्यान से देखो ना तो इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, इससे बेटा इसका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब बेटा इन दोनों को मिला के कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। ओके इसीलिए बच्चे इसमें क्या होंगे, 33 ट्रायंगल्स होंगे। बच्चे आंसर करें इसको, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर आपको गिवन है इसमें कोई बात नहीं अभिषेक, इट्स ओके बेटा, कितने ट्राइंगल्स होंगे। अब बच्चे देखो यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ आपको वही लाइंस को बेटा काउंट करना है। किसको बच्चे, लाइंस को काउंट करना है। आप देखोगे दिस इज 1 2 3 एंड 4, और बच्चे देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, इट मीन्स ये 12 हो गए बेटा आपके, देख लीजिए। ऐसे बेटा आप उधर भी काउंट कर सकते हो। आंसर बताइए सभी स्टूडेंट इसका भी। आंसर बताइए बेटा इसका सही बच्चे जल्दी से, क्योंकि बेटा आप सेम बेटा ऐसे ही आप इधर भी काउंट कर सकते हो, दिस इज 3 दिस इज 3 दिस इज 3, तो बच्चे 9 ही हो जाएगा। ऐसे ही आप इधर भी काउंट कर सकते हो, दिस इज 3 एंड दिस इज 3, तो बेटा 6 इधर भी हो जाएगा। इट मीन्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 27, वेरी गुड नेहा, एकदम करेक्ट आंसर। बच्चे ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चन बेटा आए हुए हैं बच्चे, तो बच्चे देख लो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा तो आपको कैसे करना है बेटा, आप वहाँ पे ट्राइंगल्स को काउंट करने मत बैठ जाना,
क्योंकि बेटा अगर ट्राइंगल्स को काउंट करने बैठ गए ना फिर बच्चे वो कभी नहीं होगा आपसे। चलिए बच्चे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड बेटा नेहा, आपका बच्चे एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 को बेटा। प्रश्न संख्या 8। वेरी गुड बच्चे आंसर करिए प्रश्न संख्या 8 का बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप देखोगे यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक। और बच्चे ध्यान से देखोगे 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये भी हो गए इधर से भी, ओके। मतलब बेटा इसी एक लाइन पे 6 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे देखोगे 3 यहाँ पे, सर 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, देख लीजिए। इसके अलावा अगर कोई ट्राइंगल आपको लग रहा है तो बेटा आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी कोई भी ट्रायंगल ऐसा लग रहा है जो मैंने मिस किया है तो बेटा आप मुझे बता सकते हो बच्चे। वेरी गुड विजय, नेहा, वेरी गुड बेटा 27। देखो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट मींस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 27। और बेटा देख लीजिए अगर आपको लग रहा है कहीं कोई मिसिंग है तो आप देख सकते हो बच्चे। नहीं बच्चे कहीं भी कोई आप देखो ना, आप इन दोनों को मिला के कोई ट्रायंगल नहीं बना सकते, इन दोनों को मिला के कोई ट्रायंगल नहीं बना सकते, ओके। इट मींस 27 इसका क्या है, सही है। वेरी गुड बेटा चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। जो दिया हुआ हमारे पास फिगर है उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने ट्रायंगल प्रेजेंट हैं बेटा। अब देखिए बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो मैंने आपको बताया है क्या बेटा, मैंने आपको बताया बच्चे अगर आपको कोई फिगर ऐसे दिया हुआ है उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो मैंने आपको बताया 8 ये 8 ये और 2 इनके बीच में, तो बच्चे कितना हो जाता है 8 2 16 2 18। मतलब क्या है अगर सिर्फ और सिर्फ ये इतना फिगर है तो इसमें 18 ट्रायंगल्स होंगे बेटा। सिर्फ और सिर्फ अगर ये इतना फिगर है तो इसमें 18 ट्रायंगल्स होंगे बच्चे। मैंने आपको कैसे बताया है देख लीजिए 1 2 3 4, ये भी क्या है 1 2 3 4, तो बेटा देखिए 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे, ओके। और बच्चे 1 इधर हो गया और 1 इधर हो गया, यानी कि ये बेटा हमारे पास कितने 18 हो गए। अब बच्चे देखो अगर ये सिर्फ और सिर्फ इतना रहता ना, तो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ इतना रहता तो इसमें केवल कितने होते 18 ट्रायंगल्स होते बेटा, ओके। अब ध्यान से देखोगे तो 1 ये रहा, ओके, और 1 ये रहा कंप्लीट, यानी कि 2 ट्रायंगल बेटा आपके ये भी रहे। 18 प्लस 2 कितना 20 हो गया। अब बच्चे यहाँ से काउंट करो, जैसे 3 3 3, देख लीजिए ये कितने हो गए 9 हो गए। अब बच्चे ध्यान से देखना, अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको एक और ट्रायंगल दिखेगा, कौन सा वाला बेटा, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक ट्रायंगल ये और दिखेगा। देखो बच्चे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ट्रायंगल बेटा ये भी दिखेगा बच्चे, देख लीजिए जो आपने मिस किया है बेटा वो आपने ये वाला ट्रायंगल बच्चे मिस किया है, ठीक। तो बच्चे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ट्रायंगल ये भी दिखेगा, तो 18 2 20 20 और 9 29 29 और 1 30, इट मींस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 30। बेटा अभिषेक, नेहा, विजय, देख लीजिए बेटा 29 नहीं होगा बच्चे 30 होगा। क्योंकि आप सब लोगों ने बेटा ये वाला ट्रायंगल बच्चे मिस किया, कौन सा वाला बेटा, ये वाला ट्रायंगल बच्चे, ये वाला ट्रायंगल आप में से किसी ने भी काउंट नहीं किया है बेटा, बेटा ये वाला ट्रायंगल आप सबने मिस किया है। देखिए अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं ए बी सी, ये ट्रायंगल बेटा आप सबने मिस किया है, देख लीजिए बेटा। देखो 18 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 18 और 2 20 हो गए बच्चे, और 9 ये हो गए, 3 3 3, 20 प्लस 9 29, बेटा एक ट्रायंगल ये ए बी सी और इसमें बनेगा, ओके। दैट्स व्हाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 30 ट्रायंगल्स। अगर आपको लगता है इसके अलावा कोई है तो बेटा आप मुझे बच्चे बता सकते हो।
ओके, इट मीन्स बेटा इसका जो सही आंसर होगा दैट इज 30 ट्राइंगल्स। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10, वेरी गुड विजय। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वार्ड्रोब इज रिटन एज दिस, हाउ विल एक्यूरेट बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। अगर एक निश्चित भाषा में वार्ड्रोब को ऐसे लिखा जाता है तो बताइए एक्यूरेट को कैसे लिखा जाएगा बेटा। तो बच्चे ध्यान से देखिए, वार्ड्रोब आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे क्या है, जो भी आपके पास ये लेटर्स हैं उनकी बेटा पोजीशनिंग लिखना बच्चे आनी चाहिए, उनकी बच्चे पोजीशनिंग लिखना आनी चाहिए। तो देखिए बेटा ये क्या लिखा हुआ, वार्ड्रोब, और वार्ड्रोब को क्या लिखा जा रहा है बेटा, ये लिखा जा रहा है क्या, वाई एक्स वी वाई एक्स एच जे वी। ओके, देखिए बच्चे आप क्या करोगे बेटा, इनकी पोजीशन लिखोगे, दिस इज 23, 1, 18, 4, 18, 15, 2 एंड 5। ओके, अब बच्चे देखिए ये क्या है, वाई 25, यानी कि बच्चे अगर ध्यान से देखोगे तो प्लस 2 हुआ है, ये क्या है बेटा एक्स, यानी कि 24, यानी कि बच्चे प्लस तो 23 होगा लेकिन माइनस में कितना होगा, तो माइनस में देखोगे तो माइनस 1 करोगे तो जेड, माइनस 2 करोगे वाई तो माइनस 3, यानी कि ये माइनस 3 हुआ है, ये बेटा प्लस 2 हुआ है, ये माइनस 3 हुआ है, ये कितना 18 और ये कितना बच्चे आपके पास 22, दिस इज प्लस 4। ओके, देखो बच्चे अगर आप यहाँ पे क्या है, दिस इज माइनस 5, दिस इज प्लस 6, दिस इज माइनस 7, दिस इज प्लस 8 एंड दिस इज माइनस 9, देख लीजिए बेटा। तो बच्चे ये क्या है, प्लस 2 से स्टार्ट होके माइनस 9 तक गया, प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 7 प्लस 8 माइनस 9। ओके बच्चे, सेम बेटा आप इसके साथ लगाइए, प्लस 2 करोगे तो ए से सी बन जाएगा, मतलब ये तो कभी आंसर नहीं होंगे बेटा, प्लस 2 करोगे तो ए से क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, मतलब कभी भी डी और बी तो आंसर नहीं होंगे बेटा। ठीक, अब देखो माइनस 3, माइनस 3 करोगे तो जेड बन जाएगा, यहाँ पे भी जेड यहाँ पे भी जेड, माई प्लस 4, सी प्लस 4 करोगे तो 3 प्लस 4 7, 7 मतलब जी बन जाएगा, मतलब एच नहीं होगा, इट मीन्स ऑप्शन सी, टिक करके आप आगे जा सकते हो, इट मीन्स राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। वेरी गुड विजय, अभिषेक, नेहा, बेटा आप तीनों का बच्चा आंसर एकदम करेक्ट है, देख लीजिए बेटा। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ये तीन लेटर से ही, इन तीन लेटर की कोडिंग से ही इसका बेटा आंसर पता चल गया, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे बेटा, सही बच्चे आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 को बेटा। सही बच्चे आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 को आपकी स्क्रीन पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हैमर इज रिटन एज दिस, हाउ विल रेंच बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। तो बेटा G7 समेत, अच्छा आशीष, अभिषेक, नेहा, विजय, बेटा आंसर करिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 को। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हैमर इज रिटन एज दिस, देन हाउ विल रेंच बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो बच्चे देखिए फिर से वही कहानी है, फिर से बेटा वही कहानी है बच्चे, कि आपने किसी निश्चित भाषा में हैमर, एच ए डबल एम ई आर, हैमर को बेटा क्या लिखा है आपने, आपने लिखा है आई सी पी क्यू जे एंड एक्स। अगर बच्चे आप इसकी यहाँ से नंबरिंग करो तो एच कितना है आपका 8, ये 1, ये 13, ये भी 13, ये 5 एंड ये 18। ओके, अगर बच्चे आप इनकी नंबरिंग करो, दिस इज 9, दिस इज 3, दिस इज 16, 17, 10 एंड 24। तो अच्छे देखिए प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5 एंड प्लस 6, यानी कि प्लस 1 से स्टार्ट होके प्लस प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, ये कितना है 23, यानी कि बच्चे नेक्स्ट 24 आएगा, सबका नेक्स्ट 24 ही है। ये कितना है 18, यानी कि बेटा नेक्स्ट कितना आएगा 20 आएगा, सबका नेक्स्ट 20 है टी। ओके, ये कितना है बेटा 5, 5 प्लस 3 करोगे तो 8 आएगा, 5 प्लस 3 करोगे तो 8 आएगा, देख लीजिए बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 ये 5 है, 5 में 3 ऐड करोगे तो 8 आएगा, तो ये तो कभी आंसर नहीं होगा, यानी कि ये हो सकता है, ये भी कभी आंसर नहीं होगा। ठीक है, 14, 14 प्लस 4 करोगे तो 18 होगा, यानी कि आर आएगा, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है,
यानी कि यहाँ पे क्या करोगे, प्लस पाँच करोगे, तीन प्लस पाँच कितना होगा, आठ होगा, तो बेटा ये कितना होगा, ऑप्शन बी होगा, ना कि ऑप्शन डी। वेरी गुड नेहा, वेरी गुड विजय, अभिषेक, एकदम करेक्ट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आंसर करिए प्रश्न संख्या 12 का बेटा। टू पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर सोन, सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग सिक्स। छः के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या आएगी वो बेटा आपको बतानी है, छः के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या आएगी वो आपको बतानी है। ये किसी एक पासे की दो स्थितियाँ बेटा आपको दी हुई हैं, इन दोनों स्थितियों से आपको ज्ञात करना है कि छः के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या आएगी। ओके बच्चे, तो आपको जब ये दोनों स्थितियाँ दी हुई हैं तो सबसे पहले देखो दोनों स्थितियों में एक संख्या कॉमन है या दोनों संख्या बेटा, दो संख्या, तो देखो कि पाँच यहाँ पे भी है, पाँच यहाँ पे भी है, तीन यहाँ पे भी है, तीन यहाँ पे भी है, यानी कि दो नंबर कॉमन है, यानी डायरेक्ट आप कह सकते हो कि एक के विपरीत छः, यानी कि बेटा छः के अपोजिट क्या आएगा, वन, इट मीन्स ऑप्शन बेटा सॉरी यस नेहा ए, यानी कि वन इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड विजय का सही है, अभिषेक बेटा देख लीजिए, वन इज़ द राइट आंसर बेटा, क्योंकि ये जो केस है दैट इज़ टू नंबर्स आर कॉमन। अगर बच्चे दो संख्याएं कॉमन है तो दोनों पोजीशंस में, दोनों स्थितियों में दी हुई तीसरी संख्या हमेशा एक दूसरे के विपरीत हुई होगी। वेरी गुड, शुभम जी का आंसर भी एक आ गया है। अभिषेक बेटा देख लीजिए, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मस्ट बी वन नॉट थ्री। ओके बच्चे, आप बेटा कॉमन लेके घूमना नहीं, क्योंकि बच्चे ये वो दो पोजीशन है जिनमें दो संख्याएं कॉमन है, ना कि एक। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 को, मुझे पता है ना बच्चे ये करते हैं इसीलिए बेटा। कोई नहीं अभिषेक बेटा, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13। इन अ सर्टेन लैंग्वेज पेज इज कोडेड एज दिस, हाउ विल पार्ट बी कोडेड एज इन दैट लैंग्वेज। तो उसी भाषा में पार्ट को बेटा कोड कैसे किया जाएगा ये आपको बताना है। यदि किसी निश्चित भाषा में पेज को ऐसे लिखा जाता है तो बताइए उसी भाषा में पार्ट को कैसे लिखा जाएगा। देख लीजिए बेटा, पेज का कोड आपको दिया हुआ है, पेज पी, पी कितना 16 होता है, तो देखो यहाँ पे 16 है पोजिशन। ए कितना 1 होता है, तो देखो यहाँ पे भी 1 ही लिखा हुआ है। जी कितना 7 होता है, तो ये 7, ये 49 है बेटा। आपको पता है ई तो 5 होता है, तो ये 5 है, यानी कि बच्चे ये सिर्फ और सिर्फ जो तीसरा लेटर है उसका आपको स्क्वायर करना है, जो तीसरा लेटर है उसका स्क्वायर करना है, यानी कि बेटा यहाँ पे आर है तीसरा लेटर, यानी कि 18 का स्क्वायर करोगे तो 324 आएगा। ओके, पी पी तो 16 है और ए एक है, तो नहीं 161 तो होगा ही होगा, सब में 161 है, 161 के बाद आएगा 324 और वो हमारे पास है ऑप्शन सी, और टी बी सही, इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड विजय, अभिषेक, नेहा बेटा तीनों के आंसर बच्चे एकदम करेक्ट हैं। वेरी गुड, 161, 324, 20, वेरी गुड अभिषेक, एकदम करेक्ट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14, वेरी गुड शुभम बेटा, आपका आंसर भी एकदम करेक्ट है, ऑप्शन सी। वेरी गुड बच्चे, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 का, सही बच्चे आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डी के क्यू एक्स इज रिटन एज दिस, देन हाउ विल ए एफ के पी बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। तो उसी भाषा में ए एफ के पी को क्या लिखा जाएगा, बताइए सही बच्चे इसका आंसर। विजय का आंसर आ गया ऑप्शन ए, देखिए बच्चे डी के क्यू एक्स, डी के क्यू एक्स इसको लिखा जाता है डब्ल्यू पी जे सी, ठीक है बच्चे। तो देखो बेटा यहाँ से ये देखोगे डी और ये डब्ल्यू, तो डी बन जाता है पी के जैकलिन, और ये क्या बन जाएगा इसका क्रैक्स, यानी कि ये सब के सब बेटा एक दूसरे के अपोजिट लिखे हैं बच्चे, ये सब के सब एक दूसरे के अपोजिट लिखे हैं। दिस इज ड्यू, दिस इज पी के, दिस इज जैकलिन एंड दिस इज क्रैक्स। यस अभिषेक बेटा मैंने देख लिया बेटा, अभिषेक आपका आंसर भी यस। ओके तो बच्चे इस ए अमिताभ का उल्टा जया है ना, एफ यानी कि फन, के पी पी के यानी कि बेटा जेड यू पी के इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, अपोजिट साइड चल रहे हैं एग्जैक्टली बेटा। वेरी गुड, ये बेटा क्या है अपोजिट साइड चल रहे हैं, बिल्कुल बेटा अपोजिट हैं ये। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15।
इन अ सर्टिन कोड लैंग्वेज फास्टर इज रिटेन एज दिस देन हाउ विल बॉयल इन बी रिटेन एज इन दैट लैंग्वेज। तो उसी भाषा में बॉयल इन को कैसे लिखा जाएगा बेटा, देख लीजिए। यदि किसी निश्चित भाषा में फास्टर को ये लिखा जाता है तो बताइए उसी निश्चित भाषा में बॉयल इन को कैसे लिखा जाएगा बेटा। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15। सही बच्चे बेटा, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। विजय का आंसर आ गया है ऑप्शन ए। देखिए बेटा, फास्टर FASTER, फास्टर को बेटा कैसे लिखा जाता है बच्चे, CDPWBU। अभिषेक का आंसर आ गया SLL, यानी कि ऑप्शन ए। अब बच्चे देखो, ये इसकी पोजीशन देखोगे तो कितनी 6, इसकी पोजीशन कितनी 3, यानी कि 6 माइनस 3। ये कितना बच्चे 1, ये कितना 4, यानी कि 1 प्लस 3। ये माइनस 3 है, ये प्लस 3 है, ये भी क्या है बेटा देखो माइनस 3 है, ये भी क्या है प्लस 3 है, ये भी क्या है माइनस 3 है, और ये भी क्या है प्लस 3 है। इट मीन्स -3 + 3 - 3 + 3 ऐसे चल रहा है बच्चे। यहाँ पे भी क्या करोगे बेटा, -3 + 3 ये 22 - 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, यानी कि एस होगा, आर कभी भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी तो कभी आंसर नहीं हो सकता। यस बच्चे, 3 का गैप है। अब 9 3 12, यानी कि एल आएगा, यानी कि बेटा एस के बाद के तो कभी नहीं आएगा। ओ यानी कि बेटा 15 - 3 अगेन 12, फिर से एल आएगा, यानी कि आई तो कभी नहीं आएगा। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। बिल्कुल अभिषेक का भी सही है, विजय, अभिषेक, नेहा, शुभम बेटा एकदम करेक्ट है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आंसर करिए प्रश्न संख्या 16 का बेटा। सेलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग द लाइंस। आपको जो दी हुई लाइंस हैं उनकी लाइन के अलोंग आप इसमें से कौन सी पोजीशन को ड्रॉ बेटा कर सकते हो, देख लीजिए। तो बच्चे सबसे पहले ये समझ लो कि इनका मतलब क्या है। इसका मतलब आपको ऐसा बताया कि टू अल्टरनेट फेस आर ऑलवेज अपोजिट टू इच अदर, इट मींस द अपोजिट टू 4 इज 1 एंड अपोजिट टू 6 इज 2, सो अपोजिट टू 5 मस्ट बी इक्वल टू 3। यानी कि कभी भी हमको 4 और 1 दोनों एक पोजीशन में नहीं दिखेंगे, कभी भी 6 और 2 हमको एक पोजीशन में नहीं दिखेंगे, कभी भी 5 और 3 हमको एक पोजीशन में नहीं दिखेंगे बच्चे। इनकी जो दो विपरीत फलक हैं वो कभी भी एक सिंगल पोजीशन में विजिबल नहीं होंगे बच्चे। पहले में देखो बेटा 1 4 2, यानी कि 1 और 4 दोनों एक साथ दिख गए, ये कभी हो ही नहीं सकता। यानी कि ए वाला तो 28 2, तो ए वाला इसमें ऑप्शन डी तो कभी नहीं होगा बेटा आंसर। अब बी वाला देखो बेटा 1 6 3, कोई दिक्कत है, 1 6 3 कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा सर। 1 5 6 1 5 6 कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा। 2 3 6 2 3 6, तो बेटा देखो इसमें 2 और 6 एक साथ आ गए, तो ये भी नहीं चलेगा बच्चे। अब यानी कि हमारे पास क्या है, बी एंड सी, इट मीन्स ओनली ऑप्शन बी। यानी कि बेटा क्या है, ओनली बी एंड सी। शुभम बेटा देखिए बी सी डी नहीं होगा बच्चे, डी कभी नहीं होगा क्योंकि 6 और 2 कभी भी हमको एक साथ नहीं दिखेंगे। विजय आपका आंसर एकदम सही है, नेहा आपका आंसर भी एकदम सही है, यस ओके, बी और सी बच्चे बिल्कुल। अभिषेक आपका आंसर भी बेटा एकदम सही है बच्चे, शुभम अभी आपका आंसर भी एकदम सही है बच्चे। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। सेलेक्ट द बॉक्स दैट कैन नॉट बी फाउंड बाई फोल्डिंग द गिवन अनफोल्डेड बॉक्स। तो बच्चे इसमें भी सिर्फ और सिर्फ आपको वही सोचना है कि कौन कौन से एक दूसरे के विपरीत होंगे बेटा। तो देखो मैंने आपको जैसे कि बताया हुआ है कि हमेशा दो अल्टरनेट फेस हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं बच्चे। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि ए के अपोजिट सी होगा और डी के अपोजिट एफ होगा, तो बेटा जो बी के विपरीत फलक पे आएगा दैट मस्ट बी ई। यानी कि कभी भी अब ए और सी एक पोजीशन में नहीं हो सकते बच्चे, कभी भी डी और एफ एक पोजीशन में नहीं हो सकते बच्चे, और कभी भी बी और ई एक पोजीशन में नहीं हो सकते। यहाँ पे देखिए पहला क्या है बेटा, बी सी डी, बी सी डी की दिक्कत है इसमें। देखो बेटा ए के अपोजिट क्या है, सी है, डी के अपोजिट एफ है, और बी के अपोजिट क्या है बेटा ई है। तो बी सी डी में कोई दिक्कत है, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, इसमें बच्चे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही। मुझे बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए बेटा, डी ई ए, डी ई ए,
अच्छा कौन सा नहीं बन सकता है? अच्छा ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, बिल्कुल ई एफ सी। ओके बेटा ई एफ सी ये भी बन सकता है, और ये क्या है बेटा हमारा ई सी बी। तो बेटा यहाँ पे देखोगे ई सी यानी कि बी और ई कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, इट मीन्स राइट आंसर है ऑप्शन डी। बिल्कुल बचे, ऑप्शन डी एकदम सही बचे। देखो ये भी आप बना सकते हो, ये भी ड्रॉ किया जा सकता है, ये भी ड्रॉ किया जा सकता है, ये भी ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन ये कभी भी ड्रॉ नहीं किया सकता है। और उसने पूछा है कैन नॉट, यहाँ पे बेटा कैन नॉट उसने लिखा है बच्चे बड़े बड़े अक्षरों में। विजय आपका आंसर एकदम सही है, नेहा आपका सही है, अभिषेक आपका भी सही है बेटा। शुभम बेटा देखिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए तो बेटा हम ड्रॉ कर सकते हैं बच्चे, लेकिन कभी भी हम ऑप्शन डी बेटा ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी बेटा। ओके स्टूडेंट्स, शुभम बेटा देख लीजिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न संख्या 18, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स केयरफुली अज्यूमिंग दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट्स इज ट्रू इवन इफ इट अपीयर्स टू बी वेरिएंस विद द कॉमनली नोन फैक्ट। ओके, डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट्स। आपको डिसाइड करना है कि जो दिए हुए कंक्लूजन्स हैं उनमें से लॉजिकली बेटा स्टेटमेंट को कौन से कंक्लूजन फॉलो करेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट, सम कार्स आर रॉकेट्स, सम कार्स आर रॉकेट्स, ऑल रॉकेट्स आर इंजन्स। सम इंजन्स आर रॉकेट एकदम सही बात है, सम इंजन्स आर कार एकदम सही बात है बेटा। इट मीन्स बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, इट मीन्स ऑप्शन डी। वेरी गुड अभिषेक, नेहा, विजय आप सबके बेटा आंसर एकदम करेक्ट है बच्चे, बोथ फॉलो। आई होप दिस इज क्लियर। किसी भी बच्चे को अगर डाउट हो तो प्लीज़ मुझे पूछ लेना बेटा। बिल्कुल बेटा बोथ फॉलो बच्चे। आंसर द क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19 का उत्तर दीजिए बेटा। इन फाइनेंशियल द फाइनेंशियल इज कोडेड एज दिस, देन हाउ विल ल्यूक्रेटिव इज बी कोडेड एज। तो बताइए ल्यूक्रेटिव को कैसे बेटा कोड किया जाएगा। यदि फाइनेंशियल का कोड ये है तो ल्यूक्रेटिव का कोड बेटा आपको बताना है। बताइए बच्चे यदि फाइनेंशियल का कोड क्या है बेटा हमारे पास, 6951539 13। वेरी गुड शुभम बेटा, बोथ फॉलो। वेरी गुड बेटा, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 बेटा। अब यहाँ से भी आप देख सकते हो सबकी पोजिशंस बेटा, यहाँ से भी क्या देखते बच्चे सबकी पोजिशंस। आप देखोगे एफ, एफ की पोजीशन कितनी है 6 है, आई की पोजीशन 9 है, और एन, एन बेटा कितना 14 होता है। तो 14 देखोगे 1 + 4 इसने 5 लिख दिया है, ए तो 1 होता ही है, कोई बात नहीं 1 लिखा हुआ है। एन बेटा देखो फिर से 5 लिखा हुआ है, सी क्या हुआ है 3 लिखा हुआ है, आई कितना है 9 लिखा हुआ है, ए कितना है बेटा 1 लिखा है, एल कितना 12 होता है, 1 + 2 कितना 3 लिख दिया है। यानी कि जो भी आपके पास लेटर है उन सारे लेटर्स की अगर बेटा वो जो लेटर है अगर वो 2 डेट में आया है तो उसको क्या है उसकी डेट सम को ऐड करके, डेट सम जो आपके पोजीशन है उसके क्या है अंकों को, यानी कि बेटा जो आपके डेट्स हैं उनको ऐड करके सिंगल डेट में लिखा गया बच्चे। अब देखिए ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव में एल, एल क्या है बेटा 12 होता है बच्चे, एल की पोजीशन क्या होती है बच्चे 12 होती है, 12 मतलब कितना होगा 1 + 2 3, मतलब पहला लेटर 3 होगा, पहला नंबर 3 होगा, तो बच्चे ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता। यू, यू के बच्चे कैसे लिखोगे 2 + 1 3, तो बेटा दूसरा भी 3 ही आएगा, तो बच्चे अब देखो ये कभी भी सी ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके नेक्स्ट, अब देखोगे सी, सी भी क्या है 3 है, तो बेटा देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर, आर कितना होगा बेटा 18, यानी कि 8 + 1 9, तो बच्चे यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, और ए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और टी ये बेटा टी कितना होता है 20 होता है बच्चे, 2 + 0, यानी कि बच्चे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, आई कितना है 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, वी कितना होता है बच्चे वी होता है 22, इट मीन्स 2 + 2 4, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है बच्चे, ये नहीं होगा, इट मीन्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। वेरी गुड शुभम, अभिषेक, वेरी गुड नेहा बेटा, यू का 21 होता है, बिल्कुल बेटा 21 करोगे 2 + 1 3 हो जाएगा बेटा, सी नहीं होगा डी होगा, बिल्कुल बेटा डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड शुभम, आरती आपका आंसर भी एकदम करेक्ट है बेटा, ऑप्शन डी, वेरी गुड। चलिए बच्चे आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20 का उत्तर दीजिए बेटा। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय थ्री कंक्लूजन्स नंबर
फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, आपके पास दो स्टेटमेंट हैं जो क्या बेटा तीन कंक्लूजन को फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एज्यूमिंग दैट द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, ये मानते हुए कि स्टेटमेंट हमेशा, कथन हमेशा सत्य है, इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरियंस विद कॉमनली नोन फैक्ट, ये जबकि हमको पता है कि वो कॉमन नोन फैक्ट के साथ तो वेरियंस रखते हैं, क्योंकि आपको पता है इक्विपमेंट कभी भी सारे इक्विपमेंट स्क्रू ड्राइवर नहीं होंगे और सारे मशीन कभी हमेशा इक्विपमेंट नहीं होंगे। ओके, डिसाइड विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो, आपको बताना है कि कौन से कंक्लूजन होंगे जो लॉजिकली फॉलो करेंगे इन स्टेटमेंट्स को। ओके, विजय का आंसर आ चुका है ऑप्शन डी, विजय ने कहा है सर ऑप्शन डी, बेटा देख लीजिए, ऑल मशीन्स आर इक्विपमेंट। ओके, अच्छे, पहला सम स्क्रू ड्राइवर्स आर इक्विपमेंट, एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सम स्क्रू ड्राइवर्स आर मशीन, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल इक्विपमेंट्स आर मशीन, ये गलत बात है। तो बच्चे क्या पाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, वेरी गुड नेहा, एकदम करेक्ट है बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, नॉट थर्ड, इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेटा अभिषेक, ऑप्शन ए नहीं होगा बेटा, ऑप्शन डी होगा बच्चे। थर्ड बेटा कैसे फॉलो करेगा बताइए, ऑल इक्विपमेंट आर मशीन, इट मीन्स ऑल पार्ट ऑफ इक्विपमेंट मस्ट बी मशीन, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, दैट ऑल पार्ट ऑफ इक्विपमेंट इज मशीन, दैट्स वाई यू कैन से ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो नॉट थर्ड। ओके, विजय का एकदम सही है, नेहा का एकदम सही है, वेरी गुड बेटा, आई होप ये सबको समझ में आया होगा बेटा, कोई नहीं अभिषेक, समझ में आना चाहिए बेटा। चलिए बच्चे आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 को बेटा, यू ऑल आंसर क्वेश्चन नंबर 21, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स केयरफुली, जो दिए हुए कथन और निष्कर्ष हैं उनको सावधानी पूर्वक पढ़िए, एज्यूमिंग दैट द गिवन इन्फॉर्मेशन इज द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये मानते हुए कि कथनों में दी हुई जानकारी एकदम सत्य है, वेरी गुड आरती, आपका आंसर भी एकदम करेक्ट है बेटा, इवन इफ इट अपीयर्स टू बी एट वेरियंस विद द कॉमनली नोन फैक्ट, डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन से कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो करेंगे स्टेटमेंट को बेटा, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल प्राइज आर मेडल्स, सारे के सारे प्राइज क्या है बेटा, मेडल्स हैं, एंड सम प्राइजेज आर सर्टिफिकेट्स, और कुछ प्राइज क्या है बच्चे, सर्टिफिकेट्स हैं। बच्चे देखिए कैसे, अभी किसी का आंसर नहीं आया क्वेश्चन नंबर 21 का बेटा, 21 का आंसर बताइए सभी स्टूडेंट, नया का आंसर आ गया ऑप्शन सी, इट मीन्स ऑल कंक्लूजन फॉलो। चलिए बच्चे देखते हैं, ऑल प्राइज आर मेडल्स, सम प्राइज आर सर्टिफिकेट्स, सम सर्टिफिकेट्स आर प्राइज, एकदम सही है बच्चे, सम मेडल्स आर प्राइज, एकदम सही है बच्चे, सम सर्टिफिकेट्स आर मेडल, ये भी बच्चे एकदम सही है, इट मीन्स ऑल कंक्लूजन्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो, वेरी गुड आरती, एकदम करेक्ट है बेटा, अभिषेक फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलो, नेहा फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलो, वेरी गुड बेटा स्टूडेंट्स, एकदम करेक्ट है बच्चे, आई होप दिस इज क्लियर, अगर बेटा किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बच्चे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं ना, जो बेटा पहली बार देख रहे हैं पेंडुलम वीडियो को, वो सभी बच्चे पेंडुलम वीडियो को बेटा सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बच्चे इस टाइप के प्रैक्टिस सेशन और जो आपका कंप्लीट सिलेबस बच्चे हम डेली बच्चे आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, बच्चे डेली बेटा आपकी क्लासेस चलती हैं, तो सभी स्टूडेंट पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए बेटा, जिससे जो भी बच्चे क्लास का टाइम हो उसका बेटा नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और बच्चे आप उस क्लास को अटेंड कर पाओ। ओके स्टूडेंट, चलिए बच्चे, और सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बेटा, सभी स्टूडेंट वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसको बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर भी करिए। चलिए बच्चे आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22, ऑल हेलमेट्स आर ऑब्जेक्ट्स, सारे के सारे हेलमेट क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट हैं, यू ऑल आंसर द क्वेश्चन नंबर बेटा 22, सही बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 को बेटा आंसर करिए, सही बच्चे आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, ऑल हेलमेट्स आर ऑब्जेक्ट्स, सम हेलमेट्स आर व्हीकल्स। देखिए पहला बेटा,
सम ऑब्जेक्ट्स आर हेलमेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर हेलमेट एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सम व्हीकल्स आर हेलमेट, सम व्हीकल्स आर हेलमेट ये भी एकदम सही है बच्चे। सम व्हीकल्स आर ऑब्जेक्ट, सम व्हीकल्स आर ऑब्जेक्ट ये भी एकदम सही है बच्चे। इट मीन्स ऑल कंक्लूजन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। नेहा बेटा आपका आंसर एकदम करेक्ट है बच्चे। आरती आपका आंसर भी एकदम करेक्ट है बेटा। ऑल कंक्लूजन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, वेरी गुड बेटा। अभिषेक आपका आंसर भी एकदम करेक्ट है, ऑल फॉलो, वेरी गुड बेटा। आंसर क्वेश्चन नंबर 23, देखिए बच्चे ये डायरेक्शन का है, ये भी बेटा क्वेश्चन अभी सेट में पहली बार आया बच्चे। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 को, सही बच्चे आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23। सही बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 को बेटा आंसर करिए, देख लीजिए। फ्रॉम हिज हाउस राम वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर्स, देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, फाइनली टर्निंग टू द ईस्ट ही कवर्ड 10 किलोमीटर्स, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। तो अपने घर से अब वो कौन सी दिशा में है ये आपको ज्ञात करना है बच्चे। कोई नहीं, अभी से एक आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 को बेटा। देखिए फ्रॉम हिज हाउस राम वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, अपने घर से राम क्या बेटा नॉर्थ डायरेक्शन में गया 15 किलोमीटर, यहाँ इसका घर मान लेते हैं, यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में गया 15 किलोमीटर। आरती का आंसर आ गया ऑप्शन सी, नेहा का आंसर आ गया ऑप्शन सी, ओके। देन ही टर्न बेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर, इसके बाद वो बेस्ट में मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला, ओके। अभिषेक का भी नॉर्थ आ गया। देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, उसके बाद वो साउथ में मुड़ गया और कितना 5 किलोमीटर चला। फाइनली टर्निंग टू द ईस्ट ही कवर्ड 10 किलोमीटर, और क्या बेटा फाइनली वो ईस्ट में मुड़ा और यहाँ से कितना 10 किलोमीटर चला। अब क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, तो अपने घर से वो कौन सी दिशा में है, तो बेटा ये कौन सी दिशा है बच्चे नॉर्थ, वो कौन सी दिशा में है नॉर्थ में ही है बच्चे, वेरी गुड बेटा। बिल्कुल बच्चे ऐसा करना भी नहीं बेटा कभी भी। आरती आपका आंसर बेटा एकदम करेक्ट है, अभिषेक आपका आंसर भी एकदम करेक्ट है बेटा, नेहा आपका आंसर भी एकदम करेक्ट है बच्चे। आंसर करिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यू ऑल आंसर क्वेश्चन नंबर 24। मोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर, एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर, At this point he turns to his left and walks for 3 kilometer. How many kilometer is he from the starting point? तो बच्चा ये शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, आंसर करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 24 को। सही बात है बच्चे, कॉपी पेस्ट करने से बेटा हमेशा खुद का ही बच्चे नुकसान है, कहीं ना कहीं बच्चे वो आपके स्किल्स को बेटा हमेशा किल करेगा। आरती का आंसर आ गया है 1 किलोमीटर। आरती 5 किलोमीटर तो नहीं बेटा, मुझे बता देना 1 कह रहे हो या 5 कह रहे हो बच्चे, ऑप्शन 1 है या ऑप्शन ऑप्शन तो ए बी सी डी में लिखोगे ना बच्चे, यस। तो आरती का आंसर आया 1 किलोमीटर। नेहा इज अगेन नेहा सेइंग 1 किलोमीटर, ओनली 1 किलोमीटर, क्या बात है बच्चे, वेरी गुड बेटा। देख लीजिए मोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, मोहन क्या बेटा 3 किलोमीटर नॉर्थ में गया, देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो बच्चे ध्यान से देखना अब वो लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बेटा क्या है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कितना बेटा कितना चला 2 किलोमीटर, ठीक। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर, फिर से बेटा एंटी क्लॉकवाइज और कितना 3 किलोमीटर, ओके। एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर, मोहन वॉक्स
अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवार्ड नॉर्थ एंड टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर। ओके ओके, अब बेटा क्या है, यहाँ से वो क्या है, फिर से 3 किलोमीटर चला गया, यहाँ तक पहुँच गया। अब ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। हाउ मैनी किलोमीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से बेटा, ये कितना, 1 किलोमीटर है। इट मीन्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन, वेरी गुड बेटा, 1 किलोमीटर ईस्ट, वेरी गुड बच्चे, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25। अब बच्चे देखो, ये जो 25 है ये भी बेटा आपके क्वेश्चन पहली बार आया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो बच्चे ये किसका ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है बच्चे, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 को बेटा, ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, इसको आंसर करिए। सुमित इज 18th पोजीशन फ्रॉम द टॉप एंड 33rd पोजीशन फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। तो बताइए क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं। सुमित की पोजीशन दी हुई है टॉप से 18th और बॉटम से 33, मतलब सुमित अपनी क्लास में ऊपर से 18वें नंबर पे और नीचे से 33वें नंबर पे है। तो बताइए उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं बच्चे। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो बच्चे आपको दिख रहा है कि पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट माइनस 1, वेरी गुड निया, 50 स्टूडेंट, वेरी गुड बच्चे, एकदम करेक्ट आंसर है। आप क्या करोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए बेटा, हमेशा क्या करोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट या मैं इसको सिर्फ और सिर्फ पहले ही लिख देता हूँ एल प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट आर माइनस 1, यानी कि बच्चे ये कितनी है 18 प्लस 33 माइनस 1, यानी कि बच्चे 50, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बच्चे कितनी है टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, 50 इज़ द राइट आंसर अभिषेक बेटा, 50 आन राइट आंसर होगा इसका, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 और यू कैन से लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मोहन इज 11th पोजीशन फ्रॉम अपवर्ड एंड 48th पोजीशन फ्रॉम डाउनवर्ड इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। हाँ मैं समझ गया बेटा अभिषेक, इसीलिए बच्चे मैंने इसको कंप्लीट समझाया बेटा, इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखा है वो। बच्चे आंसर करिए आरती, आपने बेटा एकदम बच्चे करेक्ट, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 का बेटा। मोहन इज 11th पोजीशन फ्रॉम अपवर्ड ऑन एंड 48th पोजीशन फ्रॉम डाउनवर्ड इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। तो बताइए क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, वेरी गुड नेहा बेटा, एकदम करेक्ट आंसर है बच्चे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू यू कैन से टोटल स्टूडेंट्स, वेरी गुड आरती, एकदम करेक्ट बेटा, 11 प्लस 48 माइनस 1, इट मीन्स टोटल बेटा 58 स्टूडेंट्स हैं इन क्लास में बच्चे, वेरी गुड अश्वनी, आपका भी एकदम करेक्ट है बेटा, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए मैंगो इज रिलेटेड टू फ्रूट, मैंगो इज रिलेटेड टू फ्रूट इन द सेम वे एज पेपर इज रिलेटेड टू, मैंगो क्या होता है बच्चे आम, आम क्या एक फल है, उसी प्रकार से पेपर क्या होता है बच्चे काली मिर्च, काली मिर्च क्या होता है पल्स दाल नहीं, ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट होता है काली मिर्च नहीं, स्पाइस मसाले, बिल्कुल मसाले ही होता है, वेरी गुड बच्चे, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड अश्वनी नेहा, आपका बच्चे आंसर एकदम करेक्ट है बच्चे, स्पाइसेस, वेरी गुड अभिषेक बेटा, एकदम करेक्ट आंसर है, वेरी गुड आरती, एकदम करेक्ट आंसर है बेटा, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अब बच्चे देखो ये क्वेश्चन एक ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, अदरवाइज तो सोचते रहो करते रहो। सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द टू नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द टू नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर, बच्चे आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28। देखिए बच्चे आपके पास क्या एक नंबर पेयर है बेटा 20:30,
20:30। ओके क्या बात है, नेहा ने आंसर दे दिया सर ऑप्शन सी, क्या बात है, वेरी गुड बेटा। लॉजिक, नाउ आई वांट द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। इस क्वेश्चन का लॉजिक बताइए। देखो आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं सर, 20 और 10 30 होता है तो 10 10 जोड़ लो, तो 10 10 देख लो बेटा, कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा। ऑप्शन सी अभिषेक, बेटा लॉजिक बताइए आंसर, ठीक है बट लॉजिक। देखिए बच्चे ये कितना है 20 और ये कितना है 30, ठीक है ये कितना है 20 ये 30 बच्चे, इसको अगर लिखोगे तो 4 × 5 है और ये कितना बच्चे 5 × 6 है, मतलब क्या है दोनों में एक एक ऐड हुआ है। तो बच्चे यहाँ पे देखोगे बेटा 12, 4 × 3 है 3 × 4, तो बच्चे यहाँ पे 4 × 5 होता तो आपका चल जाता, लेकिन बच्चे ये 23 है नहीं है। 6 कितना होता है 2 × 3, बच्चे 3 × 4 होता तो चल जाता, लेकिन ये कितना बेटा 14 है ये नहीं है। ओके दिस इज 30, 30 कितना होता है बच्चे 30 होता है 5 × 6, तो बेटा आपको क्या चाहिए 6 × 7 और 6 × 7 क्या होगा 42, वो ये है, इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट बच्चे। ठीक बच्चे बिल्कुल नेहा, आपने जो कहा बेटा आप वो भी बिल्कुल लॉजिक बच्चे हो सकता है। कैसे बैठे, 5 का स्क्वायर -5, 6 का स्क्वायर -6, ये क्या बच्चे 6 का स्क्वायर -6 तो 7 का स्क्वायर -7, वेरी गुड। चलिए बच्चे आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29। डाइस इज रिलेटेड टू क्यूब। अब देखो डाइस क्या, क्यूब ही होता है, तो बेटा बॉल क्या होता है, स्फीयर लाइन कोन या क्यूब। बॉल क्या होता है, स्फीयर होता है, लाइन होता है, कोन होता है या क्यूब होता है बेटा। बताइए डाइस से रिलेटेड टू क्यूब, डाइस क्या होता है बेटा, एक क्यूब होता है इन द सेम वे एज बॉल इज रिलेटेड टू। तो बेटा बॉल क्या होता है, यस बॉल क्या होता है बच्चे, बॉल होता है आपका स्फीयर। आप देख लो ना बॉल बेटा होता क्या है, स्फीयर। इट मीन्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए बेटा वो क्या होना चाहिए, स्फीयर, इट मीन्स ऑप्शन ए। स्फीयर, वेरी गुड अभिषेक, अश्वनी एकदम करेक्ट बेटा, वेरी गुड बेटा। ओके स्फीयर इज द राइट आंसर, वेरी गुड नेहा, एकदम करेक्ट है बेटा। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 का। अब बेटा ये क्वेश्चन किसका है, तो आप देखोगे यस आशीष, श्याम इज रियाज ब्रदर। जो श्याम है वो रिया का भाई है। देखिए बच्चे श्याम कौन है, भाई है किसका बेटा, रिया का। मोहिनी इज मदर ऑफ अनुज। तो बेटा देखो जो मोहिनी है वो मदर है किसकी, अनुज की। रिया इज ड्यूटर ऑफ राम। जो रिया है वो ड्यूटर है, ये रिया है किसकी बेटा, राम की। अनुज इज श्याम ब्रदर, और जो अनुज है वो श्याम का भाई है। इसकी माँ कौन है अनुज की, मोहिनी। अगर ये इसकी माँ है तो बेटा इसके पिताजी कौन हो गए, राम हो गए बच्चे। ओके अब क्या कह रहा है, मोहिनी हैज अ रिलेशनशिप विद राम। मोहिनी राम की कौन है, तो बच्चे मोहिनी राम की कौन है, तो आप देखोगे मोहिनी राम की वाइफ है, पत्नी है। वेरी गुड नेहा, एकदम करेक्ट है बेटा। ब्रेड लेसन सही बनाने वाला आशीष ऐसा क्यों कहते हैं बच्चे, आपने बेटा अभी तक वीडियो नहीं देखा बच्चे। आई होप ये सबको क्लियर है बेटा।
तो बच्चे ये थी हमारा आज का क्वेश्चन सेशन रीजनिंग का। आई होप आप सब बच्चों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे जेनरली। अगर आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छा लगा है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बेटा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सभी स्टूडेंट बेटा पेंडुलम वीडियो को, जो भी बच्चे नए हैं पहली बार देख रहे हैं, वो सभी बच्चे पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब करके बेटा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बच्चे इस टाइप के सेशन बेटा हम आपके लिए बच्चे डेली लेके आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी बच्चे वह शाम 4:30 बजे मैथ्स की क्लास होगी, जिसमें बच्चे हम कंसेप्ट ऑफ ट्रेपेजियम सीखने वाले हैं, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट होता है। तो सही बच्चे जरूर आइए आज शाम 4:30 बजे मैथ्स की क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, अब क्लास कब होगी बेटा? शुभम बेटा, ये जो दिन की क्लास है वो डेली 12 बजे होती है बेटा। शाम 4:30 बजे मैथ्स की क्लास होती है, और शाम को 8:30 बजे बेटा आपकी CHSL प्रीवियस ईयर क्वांट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पूरा चल रहा है बच्चे। अभी बेटा दिन में मैं 3 क्लासेस ले रहा हूँ बच्चे, आपकी मॉर्निंग में बेटा इंग्लिश की क्लास होती है बच्चे, और आपकी GS की क्लास भी होती है। ओके स्टूडेंट, इट मींस बेटा SSC का बच्चे कंप्लीट कोर्स फ्री है। ओके तो बेटा इस सेशन के लिए बच्चे इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।